हेलो फ्रेंड्स, हिंदी करंट अफेयर के तहत मैं आज आप लोगों के लिए बजट से संबंधित सारे मेन पॉइंट्स लेकर आई हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें बजट से संबंधित सारे क्वेश्चन तो है ही, साथ में बजट में जो भी योजनाएं हैं उनकी सूची और उनका विवरण भी मैंने इसमें लास्ट में दिया है। तो शुरू करते हैं आज बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो है। पहला पॉइंट हमारा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पेश किया है 1 फरवरी 2018 को और देश को टीवी मुक्त बनाने के लिए 600 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। इसमें क्वेश्चन बनता है कौन से रोग से मुक्त बनाने के लिए, तो है टीवी रोग से मुक्त बनाने के लिए 600 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। नेक्स्ट है हमारा, 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। कितने परिवार? 10 करोड़। और कौन सी योजना है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। 2020 तक 50 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति देगी सरकार। सभी ट्रेनों में CCTV और वाईफाई लगेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। रेलवे यूनिवर्सिटी बनाने की जो घोषणा सरकार ने की है, तो कहाँ है वो शहर, कौन सा शहर है? वडोदरा शहर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 10 प्रमुख प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा और 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज या मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी। यहाँ पे आपको सिर्फ ये नंबर याद रखना है कि 10 तो पर्यटन स्थल हैं, 10 और सरकारी चिकित्सा कॉलेज हैं, कितने हैं वो 24 हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जाएंगे। कब तक? 2022 तक खोले जाएंगे। शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए राइज नामक पहल का भी प्रस्ताव इसमें लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ जो है बिजली कनेक्शन गरीब घरों को दिए जाएंगे। सौभाग्य योजना भी आपकी क्लियर हो गई होगी यहाँ कि यह किससे संबंधित है, बिजली वितरण से संबंधित योजना है। 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सांसदों के वेतन के लिए नया कानून लाया जाएगा और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है कि 2022 तक किसानों की आय कितनी करनी है, तो दोगुनी करने का लक्ष्य है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसी वर्ष PM अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयकर की दरों में और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट 2018 में जो आयकरों की जो दर है उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कृषि ऋण के लिए प्रावधान 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि ऋण से संबंधित जो प्रावधान है यहाँ देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड, इसका नाम ही है किसान, तो ये किसानों को तो दिया जाता है, पर अब ये उनके साथ साथ मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा क्षेत्र में क्या किया है। देखिए, रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 5.8% की वृद्धि करके वो जो है बजट जो है 56,000 करोड़ रुपए का किया गया है। रेलवे के लिए पूंजी का खर्च 148,000 करोड़ रुपए रखा गया है। रेल के लिए क्या दिया है? 148,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च रखा गया है। 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में संशोधन किया गया है। अब इनका वेतन देखिए नया जो है क्या हो गया है, कितना हो गया है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति महीना, उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख रुपये प्रति महीना, राज्यपाल का 3.5 लाख रुपये प्रति महीना वेतन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 21 है ये, अगले वर्ष 70 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा की गई है। इसके तहत शिक्षकों के लिए एकीकृत BEd कोर्स की शुरुआत की जाएगी और शिक्षकों के लिए दीक्षांत पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। 13 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दिए जाने का इसके तहत लक्ष्य है। अब बात करते हैं बजट से संबंधित सभी योजनाओं की सूची और उनका जो विवरण है। देखिए, पहली कौन सी योजना है? मिशन योजना यो भी अभियान है। देखिए, राष्ट्रीय बांस मिशन 1290 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इसके तहत, और पूर्वोत्तर के राज्यों में बांस की खेती बड़े पैमाने पर होती है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हमारे राज्य हैं वहाँ पर बांस की खेती होती है। इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को शुरू किया गया है। एकलव्य स्कूल आदिवासी इलाकों में खोले जाएंगे, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ये खोले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा PM अनुसंधान फेलो योजना, 1000 सर्वश्रेष्ठ BTech विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान में PhD करने की सुविधा दी जाएगी PM अनुसंधान फेलो योजना के तहत, और इन्हें एक अच्छी फेलोशिप रकम भी दी जाएगी, 1000 सर्वश्रेष्ठ BTech छात्रों को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना देखिए, गरीबों को निःशुल्क
सिर्फ गैस कनेक्शन प्रदान कर रही है। ये इस योजना के तहत सरकार तो जो इनका लक्ष्य था वह 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया, 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है जो है, और इसमें जो गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करती है सरकार। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना में क्या है, इसके तहत 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों को जोड़ा जाएगा जो अभी तक कम उपयोग हो रहे थे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था जिन हवाई अड्डों और हेलीपैडों का। इस तरह के 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों को जोड़ा जाएगा उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है इस ऑपरेशन ग्रीन के तहत, ये ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा किफ़ायती आवास योजना। राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक आवास नीति बनाएगी केंद्र सरकार, और जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण मुहैया कराया जाएगा और 2022 तक सभी के पास अपना घर हो, ऐसी घोषणा भी इस बजट में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 है जो देखिए, इसमें कौन सी योजना है, आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत 11 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को इलाज के हेतु 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का कवरेज दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना, या इसे नमो केयर भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना। क्या है गोवर्धन योजना, इसके तहत खेतों के ठोस और अपशिष्ट पदार्थों और गोबर को बायोगैस, बायो CNG और कंपोस्ट में बदला जाएगा। ये सभी योजनाएं जो है बजट 2018 में दी गई हैं, पेश की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, या अभी लास्ट है ये, कि बजट 2018 के तहत मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। जो मैटरनिटी लीव लेती हैं महिलाएं वो है कितनी कर दी है, 26 सप्ताह की कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, हिंदी बजट से, हिंदी करंट अफेयर में बजट से संबंधित मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ बताइए, कमेंट करें, आपको सब्सक्राइब पहले करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।